हेलो भैया, गेट खुल गया। कौन हो? अरे आप इन्हें नहीं जानते? मनोज भैया अपने एरिया से खड़े हो रहे हैं। बस देख लीजिएगा, थोड़ा इलेक्शन आ रहे हैं। वोट मांगने आए हो? अरे यार कम करो। अरे आओ यार, आओ तुम। क्या भाई पीने आ जाओ। अरे रुकिए भैया, ये टिकट क्या क्या क्या, चलो। बैठो मनोज जी, बैठो। अरे कहाँ बैठूं? आज तक तो सर पे बैठे थे, आज कुर्सी में भी बैठ जाओ। मतलब साफ करके बैठ जाओ, और अगर नहीं हो रहा हो तो अपने कार्यकर्ता को बुला लो। सोनू को फोन लगाता हूँ। हाँ सोनू, हाँ जरा अंदर भेज किसी को। अरे तू भेजना यार अंदर किसी को, जल्दी भेज। जी भैया जी, ये साफ कर जरा। हाँ अभी कर। ये ऊपर भी साफ। वाह यार मनोज भैया, कुर्सी साफ। अरे बस लगता है आप ही विकास कराओगे। अरे इसलिए तो आए हैं। अरे हमारा विकास कैसे होगा? हमारा भी विकास करा दो। ये गंदा पड़ा, ये तो साफ नहीं कराया। कुर्सी साफ कर लिया आपने? अरे अभी करा दे, जरा ये साफ कर दो। हाँ तो मनोज भैया जी, किस विषय में आए थे अपन? बस हम वोट मांगने आए थे, इलेक्शन आ रहे हैं थोड़े, तो हमने सोचा आपसे थोड़ा संपर्क कर ले। अरे भाई हमसे क्यों मुलाकात कर ले? अरे थोड़ा वोट दे दीजिएगा। अच्छा वोट मांगे जी, क्यों दूं मैं वोट आपको? वोट अरे क्योंकि हम ये रोडे बनवाएंगे, और वो जो पार्क अभी तक नहीं बना है उसे भी बनवाएंगे, और आपके पूरे क्षेत्र को हम लोग फ्री वाईफाई देंगे। और हम लोग ये नालियां साफ करवाएंगे। एक मिनट। अरे अच्छा लिखा है इसमें पूरा? हाँ वो पर्चे बनवाने। हम लोग ये पूरे पेड़ लगवाएंगे, पूरे हाईवे में हम लोग पूरे पेड़ लगवाएंगे। और पूरे, चलो वो सब छोड़ो मनोज भैया, ये बताओ कितना कमा? कमाने का क्या, यही 10-15 हजार। हाँ वो और कितना गबन कर लेते हो? अरे जेब कितनी भर लेते हो? किसी बातें कर रहे हो यार, ऐसा इधर उधर कितना करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे किसी बातें कर, चलो वो सब छोड़ो, अपन चाय पीते हैं। नहीं चाय नहीं, फिर कर। अरे नहीं आज नहीं भैया, चाय तो आप पी के जाओगे। अरे नहीं बैठो, चाय तो आप आए हो, आप चाय पी के जाओ। अरे मनोज भैया एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? भाई आएगी 11 बजे और मुझे चाय बनानी नहीं आती। चलिए फिर कब? अरे नहीं, अरे आपके कार्यकर्ता किस दिन काम आएंगे? कार्यकर्ता आप लगाओ कॉल कार्यकर्ता को और मस्त सी चाय बनवाओ। हाँ सोनू को फोन लगाता हूँ। सेवा करने का मौका दे रहे भैया आपको। हाँ सोनू। अरे घूर क्या रहा है गोपाल इधर? हाँ भाई जी, चल जा चाय बना हम दोनों के लिए। चाय? हाँ भाई, और एकदम करारी बनाना। हाँ भाई, जाना चाहिए। हाँ तो भैया कहाँ थे अपन? हाँ कमाई की बात चल रही थी। वो भैया जी लाइटर नहीं होगा? हाँ यार मनोज भैया लाइटर है नहीं, माचिस भी नहीं होगी। माचिस भी नहीं, माचिस लानी पड़ेगी। अरे अपने मनोज भैया किस दिन काम? मनोज भैया अच्छा तो पैसों वाली बात है। वाह यार मनोज भैया पैसे।
अरे तुम बात कैसे कर रहे हो मनोज भैया से? तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं एक चूतिया हूं। मैं वो बेवकूफ हूं जो साला रोड टैक्स भरेगा, टोल टैक्स भरेगा, डेवलपमेंट का पैसा दूं, मेंटेनेंस का पैसा दूं, फिर भी रोड में गाड़ी कम गड्ढे ज्यादा है। 100 मीटर की सड़क पे 200 गड्ढे हैं। शहर में लोग कम है, गड्ढे ज्यादा है, और फिर भी साला इन गड्ढों से बच जाओ ना। तुम्हें बचा नहीं हूं मनोज भैया, बचा नहीं। फिर आएंगे कुत्ते, गाय, भैंस, सुअर, इन सबसे टकरा के मर जाओ। अपने घर के बाहर मुझे पार्किंग का खर्चा देना पड़ता है, और फिर वहीं से गाड़ी चोरी होगी, और खुद की गाड़ी धुलवाने के लिए मुझे पुलिस वालों को पैसा दो। अरे अरे अबे चुप। सर्विस टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ, वैट भरता हूँ, फिर भी 25 का पेट्रोल 75 में खरीदूं, 2 रुपए की सब्जी 65 में, और जहां रहता हूँ वहीं का मूल निवासी बनाने के लिए पैसे खिलाऊं सरकारी अफसरों को। पासपोर्ट अगर जल्दी बनवाना है, इन पुलिस वालों के पैरों पे गिरना पड़ता है। अपने माँ बाप के इतने पैरों पे नहीं गिरा, आज तक इतने पुलिस वालों के पैरों पे गिरना पड़ता है। पार्क बनवाने के पैसे दिए, पार्क तो छोड़ो मनोज भैया, एक बेंच नहीं है बैठने के लिए, नाली साफ करवाने के लिए पैसे दिए थे। जब बारिश होती है तो मैं रोड पे नहीं चलता, नाले के पानी पे चल के जाता हूँ। काय के पानी पे? नाले के पानी, नाले के पानी। महीने में 2 बार उसी नाले के पानी से बीमार हो जाऊं, फिर जाऊं मैं सरकारी अस्पताल, 5 घंटे लाइन में खड़े रहूं, फिर मिलेगा एक दवाई का पर्चा, दवाई का पर्चा। आपकी गली में 10 दुकानें मिल जाएगी सिगरेट की, एक दवाई की दुकान नहीं। उस दवाई के लिए मैं जाऊं 3 किलोमीटर। आपने अगर पानी पिया? पानी? हाँ, ये पानी पीता हूं मैं, ये पानी। साला मेरी पेशा भी सच्ची है, दिन भर रात मनोज भैया आपके साथ दिन आना लगा रहे थे ना, दिन भर रात मनोज भैया आपके साथ, दिन भर रात। दिन में आप दिखते नहीं, पर रात में आपको देख भी सकते। क्यों? स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है 2 साल से। रात में जब इन सड़कों पे जाता हूं तो मुझे पता नहीं चलता मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, कब कौन मुझे मेरे को छुरा मार के मेरा बटुआ ले जाएगा। अपन तो जीलेंगे साहब, जीलेंगे, कुछ तुम्हारी जिंदगी जीलेंगे, पर मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी होने वाली बीवी, मेरी दोस्त, इनका क्या? अरे इनने क्या बिगाड़ा है भैया आपका? इनको क्यों ये जिंदगी? उस 2 किलोमीटर के फुटपाथ पे जब वो चल के निकलती है ना, वो चल के नहीं निकलती है, जिंदा बच के निकलती है। आपने जो ये लाइसेंस बांट के रखे इन ठेले वालों को, दुकानदारों को, फुटपाथ पे लेके आ गए दुकानें, चाय, समोसे, सिगरेट, अंडे, ये सब खाते हुए वहां पे लौंडे खड़े रहते हैं, उन सबसे, उन सबके बीच में से बच के निकलते हैं। आप चाहेंगे आपके घर की औरतों के लिए जिंदगी? औरतों में 4 की जगह 16 बैठाएंगे, आप बैठाओगे अपनी औरतों को? अरे किससे बोल रहा हूँ मनोज भैया से, आपके यहाँ तो कारे है, एक्सयूवी है, आपको क्या? मनोज भैया एक दिन मेरी जिंदगी जी के देख लो, बस एक दिन, एक बार। आप इलेक्शन में खड़े हो ना क्या, तो अपने आपसे नफरत करने लगोगे। सब मैं 5 साल से चूतिया बन रहा हूं, आज भी चूतिया हूं, और 9 तारीख को फिर चूतिया बनने वाला है। आपके ये जो वादे हैं ना, ये वो ताश के पत्तों का महल है जो जरा से हवा के झोंके में बिखर जाए। पहले एक इंसान तो बनो, ईंट पत्थरों वाले इरादे तो रखो। नमस्कार, नमस्कार।